हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज 100+ डीआई सीरीज का डे 6 होगा और आज बोट एंड स्ट्रीम बेस्ड डीआई करेंगे जो कि एक केसलेट डीआई होगा। इससे पहले भी मैं बोट एंड स्ट्रीम बेस्ड डीआई सॉल्व करा चुकी हूँ मेंस के क्लासेस में। मेंस लेवल डीआई प्लेलिस्ट एक और प्लेलिस्ट होगा, ये वाला प्लेलिस्ट अलग है, इससे पहले एक और प्लेलिस्ट होगा, वहां से जाकर आप बाकी जो बोट एंड स्ट्रीम बेस्ड डीआई है उसको सॉल्व कर सकते हो। हर बार की तरह पहले खुद से ट्राई करना और एट दी एंड ऑफ द सेशन अप्रोच देखना किस तरह से आपने किया है, और ये अप्रोच पसंद आए तो उसको एग्जाम में जरूर फॉलो करना अगर कम टाइम में आपका सॉल्व हो गया है। डेफिनेट ओके। नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन द सेशन। लेट्स हैव द डीआई ऑन स्क्रीन। देखो क्या कह रहा है, पहले वो पढ़ो। रीड द डेटा केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। द डेटा गिवन बिलो शोज द डिस्टेंस कवर्ड इन 4 रिवर्स, टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। मतलब आपको कुछ डिस्टेंस गिवन है, यहाँ पे 4 रिवर्स गिवन है और उनका कुछ डिस्टेंस गिवन है, और उसको कवर करने के लिए कितना टाइम लग रहा है वो गिवन है, और स्पीड गिवन है किसका, स्ट्रीम का। ठीक है, अब यहाँ तक आपने पढ़ लिया। अब आपको मैं पहले बता देती हूँ कि बोट एंड स्ट्रीम में जो नेसेसरी होता है सबसे ज्यादा वो क्या है। बोट का स्पीड आपको पता होता है कि x होता है। अगर आपको बेसिक, अगर आपने क्लास नहीं देखा है तो मैं आपको बता दूं कि ये चीजें जानना जरूरी है, इतना जान लो, फिर उसके बाद चाहे वो अरिथमेटिक का क्वेश्चन हो या फिर कोई डीआई हो, जो भी हो आप इजिली कर लेंगे। बोट का स्पीड होता है एक्स, स्ट्रीम का मानते हैं वाई, स्ट्रीम या फिर करंट भी उसको कहा जाता है, ठीक है, या फिर रिवर का स्पीड कहा जाता है, ठीक है, तो वाई माना जाता है। तो एक होता है डाउन स्ट्रीम स्पीड और दूसरा होता है क्या, अप स्ट्रीम स्पीड। ठीक है, अब ये डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम स्पीड क्या है। जब एक रिवर है यहाँ पे, ठीक है, एक बोट जा रहा है अगर, ठीक है, एक बोट जा रहा है, ठीक है, और अगर वो अलॉन्ग द स्ट्रीम कहा जाता है, अलॉन्ग द स्ट्रीम और अगेंस्ट द स्ट्रीम कहा जाता है, वो बोट किस तरफ जा रहा है। अगर जिस डायरेक्शन में वो रिवर जा रहा है उसी डायरेक्शन में जा रहा है तो उसको अलॉन्ग द स्ट्रीम भी कहा जाता है, जिसका स्पीड होगा डाउन स्ट्रीम स्पीड। अगर अगेंस्ट गया, मतलब रिवर किसी डायरेक्शन में जा रहा है लेकिन बोट किसी और डायरेक्शन में जा रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसको अगेंस्ट द स्ट्रीम कहा जाता है, जो कि अपस्ट्रीम स्पीड वहां पे कैलकुलेट होगा। लेकिन यहां तक क्लियर है तो मैं बता दूं, अगर डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम स्पीड कैसे निकालना है, बोट और स्ट्रीम का कैलकुलेट होगा क्या, एक्स प्लस वाई आड होगा और बोट एंड स्ट्रीम का माइनस होगा तब जब अपस्ट्रीम स्पीड होगा, यानी जब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होता है, तो इसीलिए जो रिवर का स्पीड है वो माइनस होगा बोट के स्पीड से, ठीक है। लेकिन जब सेम अलोंग द स्ट्रीम, जब सेम डायरेक्शन में जा रहा होता है तब दोनों का स्पीड कैलकुलेट होता है। तो इतना क्लियर है, अगर ये दोनों आपको पता होता है, ये बोट का स्पीड, करंट का स्पीड, डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम स्पीड, इतना आपको पता होता है तो चाहे वो अरिथमेटिक का हो, चाहे वो डिफिकल्ट हो, इजी हो, फिर डीआई हो, जो भी हो, आप इजिली कर लेंगे। यहाँ पे एक्स और वाई सिर्फ आपको इसी के लिए लेना है। अब आप अरिथमेटिक के हर एक क्वेश्चन को आप बिना एक्स लिए करते हो, जो भी मैंने क्लासेस आपको किया है मैक्सिमम क्वेश्चंस आप बिना एक्स लिए करते हो, बट यहाँ पे कहोगे कि मैम आप एक्स लिए करते हो, तो यहाँ पे एक्स सिर्फ बोट और स्ट्रीम को एक्स एंड वाई माना जाता है ताकि आप इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। यहाँ तक अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, चलो हम आगे देखते हैं क्या क्या आपको गिवन है। इतना क्लियर है, बोट के स्पीड को एक्स माना जाता है, स्ट्रीम को वाई, डाउन स्ट्रीम को एक्स प्लस वाई, अप स्ट्रीम को एक्स, अप स्ट्रीम स्पीड होगा एक्स माइनस वाई। इतना क्लियर है तो मैं इसको इरेज कर रही हूँ। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो, सो दैट हम जल्दी से सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ पे क्या क्या गिवन है। ठीक है, चलो मैं इसको इरेज कर रही हूँ, पहले पढ़ते हैं क्या क्या आपको गिवन है। ठीक है, 4 रिवर्स है यहाँ पे। देखो यहाँ पे रिवर वन है, कवर्स 280 किलोमीटर डिस्टेंस अलोंग द स्ट्रीम एंड 240 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम। द डिफरेंस बिटवीन द टाइम टेकन टू कवर अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम इज 5 आवर्स। ठीक है, अब यहाँ पे वो कह रहा है रिवर वन की बात कर रहा है और ये रिवर टू, रिवर थ्री, रिवर फोर ऐसे करके गिवन है, तो मैं 1, 2, 3, 4 लिख रही हूँ। ठीक है, पहले हम यहाँ पे बनाना स्टार्ट करते हैं। वन का कुछ बोट और बोट का एक्स या बोट का जो भी स्पीड गिवन होगा ऐसे हम नहीं लिखेंगे, जो जो गिवन है वैसे ही करते जाते हैं। ठीक है, कह रहा है 280 किलोमीटर क्या है अलॉन्ग द स्ट्रीम। अब मैंने कहा है अलॉन्ग द स्ट्रीम मतलब वो क्या है,
अलोंग द स्ट्रीम मतलब डाउन स्ट्रीम स्पीड, ठीक है। डाउन स्ट्रीम का आपको गिवन है 280, डाउन स्ट्रीम के लिए मैं डी लिख रही हूँ, ठीक है। और 240 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम मतलब अप स्ट्रीम स्पीड डिस्टेंस कितना है 240, ठीक है। अब वो कह रहा है डिफरेंस बिटवीन द टाइम टेकन टू कवर द अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम इज 5 आवर्स, डिफरेंस जो है वो 5 घंटे है, तो हम क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे अपस्ट्रीम का मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 240 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई, ठीक है। और डाउनस्ट्रीम का मैं यहाँ पे लिख रही हूँ -280 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, इसमें जो डिफरेंस है वो कह रहा है 5 घंटे। यहाँ तक क्लियर है पहले रिवर के, तो यही इक्वेशन बना, ठीक है। इक्वेशन बनाना है तो आप कहोगे कि इक्वेशन ज्यादा टाइम टेकिंग लगेगा, नहीं लगेगा, पहले करते जाते हैं जो जो गिवन है, उसके बाद देखते हैं क्या आपका गिवन होता है। यहाँ पे मैं 2 लिख रही हूँ रिवर 2 के लिए। रिवर 2 में देखो क्या गिवन है, डिस्टेंस कवर्ड अलोंग द स्ट्रीम इज 30 किलोमीटर लेस देन डिस्टेंस कवर्ड अगेंस्ट द स्ट्रीम बाई बोट 1। अलॉन्ग द स्ट्रीम मतलब डाउन स्ट्रीम कह रहा है कितना है, 30 किलोमीटर लेस देन डिस्टेंस कवर्ड अगेंस्ट द स्ट्रीम बाई बोट 1, मतलब यहाँ पे जो रिवर 1 की बात कर रहा है, ठीक है, बोट 1 मतलब रिवर 1 की बात कर रहा है, तो बोट 1 में अगेंस्ट द स्ट्रीम यहाँ पे डिस्टेंस कितना है 240 है, 240 से 30 किलोमीटर लेस है डाउन स्ट्रीम का, यहाँ पे रिवर 2 के लिए 240 से 30 माइनस मतलब 210 होगा माई बाई एक्स माइनस वाई, ठीक है। नेक्स्ट एंड द डिस्टेंस कवर्ड अगेंस्ट द स्ट्रीम इज 40 किलोमीटर मोर देन डिस्टेंस कवर्ड अगेंस्ट द स्ट्रीम बाई बोट 3, मतलब यहाँ पे रिवर 3 का जो आएगा उसका कह रहा है, ठीक है। चलो अभी के लिए यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ठीक है। ये तो हो गया 210 बाई एक्स माइनस वाई माइनस, यहाँ पे कुछ है माइनस है या प्लस है हमें नहीं पता है, आगे पढ़ते हैं क्या गिवन है। टाइम टेकन टू कवर द डाउन स्ट्रीम इज 6 आवर्स लेस देन टाइम टेकन टू कवर द अपस्ट्रीम डिस्टेंस, यहाँ पे भी डाउन स्ट्रीम का कम कह रहा है तो माइनस लिखो। अब ये डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस जो है वो क्या कह रहा है, बोट 3 से कह रहा है अगेंस्ट द स्ट्रीम जितना है तो उससे 40 किलोमीटर मोर है, ठीक है। ये 3 यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। ये जो एक्स माइनस वाई आएगा यहाँ पे इससे 40 किलोमीटर मोर है, यहाँ तक इतना लिख रही हूँ सो दैट आपके लिए ये इजीली आप कर सको, ठीक है। एक्स प्लस वाई यहाँ पे लिख रही हूँ, बाद में इसको सही कर लेंगे हम, ठीक है। चलो रिवर 3 देख लेते हैं। अब ये 6 आवर्स जो लेस है यहाँ पे लिख देते हैं इज इक्वल टू 6, ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड अलोंग द स्ट्रीम इज 120 किलोमीटर मोर देन डिस्टेंस कवर्ड अगेंस्ट द स्ट्रीम, मतलब ये जो है अलोंग द स्ट्रीम मतलब ये एक्स प्लस वाई जो डिस्टेंस है ये कह रहा है 120 किलोमीटर मोर देन अगेंस्ट द स्ट्रीम, मतलब ये जो है इससे 120 किलोमीटर मोर देन है, ठीक है। विच इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बाई बोट 1 अलॉन्ग द स्ट्रीम, बोट 1 मतलब विच इज मतलब इसकी बात कर रहा है, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर रही हूँ आपको समझाने के लिए। देखो यहाँ पे कह रहा है डिस्टेंस कवर्ड, इसको मैं इरेज कर रही हूँ, देखो पहले समझो इसको, डिस्टेंस कवर्ड अलॉन्ग द स्ट्रीम मतलब इसका जो है इज 121 किलोमीटर मोर देन डिस्टेंस कवर्ड अगेंस्ट द स्ट्रीम, मतलब यहाँ पे जो अगेंस्ट द स्ट्रीम है ये डिस्टेंस से ये 121 किलोमीटर मोर है जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, क्लियर। विच इज हाफ, विच इज मतलब किसके लिए, अगेंस्ट द स्ट्रीम जो मतलब इसका डिस्टेंस कह रहा है ये जो है ये हाफ है, किसका हाफ है, कह रहा है डिस्टेंस कवर्ड बाई बोट 1 अलॉन्ग द स्ट्रीम मतलब इसकी बात करा है, अलॉन्ग द स्ट्रीम मतलब ये इसका हाफ है, ये जो 280 है इसका हाफ है, 280 का हाफ कितना है 140 है, तो इसका पता चल गया ये जो है ये जो है ये 140 है, क्लियर। इसको मैं लिख रही हूँ 140, अब ये 140 है ये 40 मोर है तो ये कितना होगा ये 180 होगा, क्लियर। अब इसको भी हम निकाल लेंगे 140 121 कितना होगा 261 होगा, ये हो जाएगा 261, क्लियर। यहां तक हमने निकाल लिया है, अब आगे क्या कह रहा है, इट टेक्स 6 आवर्स मोर टू कवर अपस्ट्रीम दैन द डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस, तो मतलब ये जो है ये 6 आवर्स है, ठीक है, दैन अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस। इट टेक्स 11 आवर्स मोर टू कवर द अपस्ट्रीम दैन द डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस, ये जो है ये प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे, यहाँ पे ये रिवर 3 की बात कर रहा है तो ये वाला होगा, ये नहीं होगा। टेक्स 11 आवर्स मोर, ठीक है, इट टेक्स 11 आवर्स मोर टू कवर अपस्ट्रीम देन द डाउन स्ट्रीम, मतलब यहाँ पे भी डिफरेंस गिवन है, यहाँ पे 11 गिवन, ठीक है, इतना क्लियर है। ये वाला जो है ये प्रिंटिंग मिस्टेक, थोड़ा ये ऊपर का जो है ना ये टाइम टेकन टू 6 आवर्स लेस यही आ गया है नीचे, ठीक है।
रिवर फोर का कुछ कह रहा है, रिवर चार यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। टाइम टेकन टू कवर 168 किलोमीटर अलॉन्ग द स्ट्रीम, यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, ये 168 होगा अलॉन्ग द स्ट्रीम एक्स प्लस वाई, और 135 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम इज, यहाँ पे इसको मैं इरेज कर रही हूँ, इज 5 आवर्स मोर देन द टोटल टाइम टेकन बाई बोट टू। मतलब इस यानी रिवर टू की बात कर रहा है, रिवर टू में जितना टोटल टाइम, मतलब ये माइनस में है 6 आवर्स आया, यहाँ इससे +5 मत कर देना, ये माइनस में है, डिफरेंस की बात करें, यहाँ पे टोटल टाइम की बात कर रहा है, मतलब ये डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम स्पीड, ये जो ऐसे आएगा ना 210 बाई x माइनस वाई माइनस प्लस 180 डिवाइड बाई x प्लस वाई, जितना टाइम आएगा ना उससे ये 5 आवर्स मोर कह रहा है, समझ में आया, ठीक है। अब ये कितना है 135 किलोमीटर, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 135 बाई x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है, यहाँ पे माइनस लिख लेते हैं, बाद में x प्लस वाई कितना होगा हमें नहीं पता है, अभी के लिए ये डेटा को मैं इसको रेड कलर से सर्कल करके रख रही हूँ, सो दैट हम बाद में इसको कर सकते हैं, 5 आवर्स मोर देन टोटल टाइम टेकन बाई बोट टू, ठीक है। अब जो भी एक्स प्लस वाई यहाँ पे कुछ गिवन नहीं है, जो भी होगा हम यहाँ पे, मैं यहाँ पे आपको एक एक करके लिख दूंगी, ठीक है, एक्स वाई का ऐसे करके लिख दूंगी, ठीक है। चलो आगे यहाँ पे कुछ और गिवन है, द स्पीड ऑफ करंट बाय बोट 1 2 3 4 इज, यहाँ पे मतलब 1 2 3 4, रिवर 1 2 3 4 में करंट का जो स्पीड है वो गिवन है 10 10 11 6 किलोमीटर रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये गिवन है यहाँ पे, ये 10 पहले वाले में, मतलब ये जो y होगा ये 10 होगा, ठीक है, यहाँ पे ये 10 होगा, ये जो होगा ये 10 होगा, ये भी 10 होगा, ठीक है, और इसके बाद 11 फिर 6, तो मतलब ये हो जाएगा 11 और ये होगा 11 और ये जो होगा ये 6, ये होगा 6, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे कैसे करना है, अब आप कहोगे कि मैम अब तो एक्स बचा है, बहुत सारा कुछ बचा है, अभी क्वेश्चंस में क्या क्या गिवन है हमें नहीं पता है, चलो यहाँ तक ये भी हमें नहीं पता है क्या करना है, बट कैसे करना है पहले वो समझो। मैंने आपको कहा है चाहे आप कोई अरिथमेटिक का क्वेश्चन कर रहे हो, यहाँ पे मैंने अरिथमेटिक लिखा था उसको मैंने इरेज कर दिया, बाद में अभी कर देती हूँ, अरिथमेटिक का चाहे कोई क्वेश्चन हो या डीआई का कोई क्वेश्चन हो, जैसे मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि एक्स एक्स प्लस वाई होता है डाउन स्ट्रीम का, और अपस्ट्रीम का होता है एक्स माइनस वाई, इतना आपको पता है, ये बोट का है, करंट का वाई है, इतना आपको पता है, तो बाकी सब आप कर लेंगे। बट कभी भी ऐसा आपको इक्वेशन दिखे जो कि यहाँ पे चारों रिवर्स में आपको दिख रहे हैं, है ना, तो आप क्या करोगे, आप कैसे, मैंने कहा है आपको, अगर आपने बोट एंड स्ट्रीम का क्लास देखा है तो आपको पता होगा मैं किस तरह से आपको कहती हूँ कि ऑप्शन एलिमिनेशन के जरिए ही आप कर सकते हो। कहीं पे ऐसा दिखे तो आपको एक्स लेके ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं करना है, आपको ऑप्शन से जाके करना है, जैसे कि एक अरिथमेटिक का ये क्वेश्चन हो गया, तो आपने इक्वेशन ऐसा निकाला है, तो आप क्या करोगे वहां पे जो भी ऑप्शंस में गिवन होंगे, जैसे एक्स के लिए गिवन होगा बोर्ड के लिए या फिर कोई और क्वेश्चन में ऑप्शन डेटा दे रखा होगा, तो आप क्या करोगे पहले एक्स का जो है उसको लेकर करना है, जैसे एक्स का मान लो 10 20 25 और 30 ऐसे करके गिवन होंगे, तो एक एक करके आपको पुट करते जाना है, डिवाइड कर देना है, फिर ये 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो चेक करना है, फिर उसके बाद ऑप्शन एलिमिनेशन कर एलिमिनेट करके एक एक करके जो होगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है, वही ट्रिक या वही अप्रोच कह लो, यही अप्रोच हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, ठीक है, यहाँ पे भी यही अप्रोच हम अप्लाई करेंगे, सो दैट एक्स का वैल्यू निकल गया, बाकी हमें किसी और की वैल्यू की जरूरत नहीं है, बाकी हमने यहाँ पे बाकी सब कुछ निकाल लिया है, बाकी क्वेश्चंस में जैसे जैसे गिवन होगा वैसे हम आंसर करते जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है तो मैं पहले इरेज करती हूँ, सो दैट एक एक करके हम कर सके, ठीक है। पहले वाले में देखो एक्स हमेशा क्या होगा, इससे बड़ा होना चाहिए, अब आप अगर 10 से बड़ा कोई 11 12 लेके तो नहीं करोगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 0 से तो डेफिनेटली आप 15 20 25 ऐसे नंबर्स लेके करोगे, तो पहले 10 से बड़ा क्या है, 15 है, अब अगर 15 करते हो, यहाँ पे 15 और 10 कितना हो जाएगा 25, 25 280 25 से कटेगा ही नहीं, ठीक है, तो 15 कैंसिल आउट हो गया, 20 करो, 20 और 10 कितना होगा 30, 280 30 से कटेगा ही नहीं तो 20 भी कैंसिल, अब 25 करके देखो क्या होता है, 25 और 10 यहाँ पे माइनस करोगे तो 25 10 15, 240 15 से कटेगा क्या, 3 5 4 जा 25
8 जा 43 से कट रहा है, लेकिन 25 और 10 35, 280 35 से नहीं कटेगा, 5 7 से कटेगा, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 7 8 जा 56। हाँ ये तो कट रहा है, देख लेते हैं। यहाँ पे 8 आया है, यहाँ पे कितना आया है, ये 16 आया है। 16 और 8 में से माइनस करोगे तो 8 आएगा, लेकिन यहाँ पे 5 गिवन है, तो यहाँ पे 25 भी कैंसिल आउट होता है। ठीक है, 25 भी कैंसिल आउट होता है। 30 करके देखो, 30 और 10 कितना, 40, 40, 280 से 40 डिवाइड करोगे तो ये आएगा 7, और 30 माइनस 10 20, 20 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 12, 12 में से 7 गया 5, तो ये हो रहा है 30। तो यहाँ पे लिख दो x का वैल्यू 30, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ x का वैल्यू 30। ठीक है, 30, तो ये आ गया 12 और ये आ गया 7, जिसमें से माइनस करोगे तो ये आ गया 5। यहाँ पे क्लियर, यहाँ तक क्लियर है, चल इसको मैं इरेज कर दूँ। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 10 है, ये और क्या होगा, 11 होगा, 10 के बाद क्या होगा, 11, 11 करोगे तो 21 हो रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 21 नहीं हो रहा है ना, 11 में से 10 गया 1, 210 आ जाएगा, विच इज नहीं होगा पॉसिबल। 12 करोगे वो हो रहा है, सॉरी 11 12 तो हमें लेना नहीं है, मैं क्यों कर रही हूँ, 15 लोगे, 15 हो रहा है क्या, 10 और 15 यहाँ पे 25 होगा, 180 अगेन 25 से डिवाइड नहीं होगा तो 15 भी कैंसिल आउट होता है। 20 करके देखो, 20 और 30 ये 6 होगा, यहाँ पे 6 आएगा, तो ये क्या 12 आ रहा है, यहाँ पे 20 से 10 माइनस करोगे तो 21, 21 से 6 माइनस करोगे तो 6 नहीं आ रहा है, 20 भी नहीं हो रहा है। 25 करके देखो, 25 और 25 से 10 माइनस करोगे तो 15, 210 डिवाइडेड बाई 15 करोगे, है ना, 210, ये तो x प्लस वाई है ना, ये x माइनस वाई है ना, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, ठीक है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। देखो टूट, डिस्टेंस कवर्ड अलोंग द स्ट्रीम इज 30 किलोमीटर लेस देन डिस्टेंस कवर्ड अगेंस्ट द स्ट्रीम बाय बोट वन, बोट वन अगेंस्ट द स्ट्रीम ये है, इससे 30 किलोमीटर लेस है, तो मतलब ये एक्स प्लस वाई होगा, ठीक है, ये एक्स प्लस वाई होगा। ठीक है, देखो ये 210 जो था वो एक्स प्लस वाई होगा, 180 जो है वो एक्स माइनस वाई होगा, जो कि वाई का वैल्यू हमने यहाँ पे कितना निकाला था, 10 था शायद, है ना, 10, ये भी 10। अब हम क्या कर रहे थे, 25 कर रहे थे, 25 और 10 में से, 25 में से 10 जाएगा तो 15 आएगा, 15 180 से कटेगा तो 12 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 25 और 10 35, तो ये 6 आ रहा है क्या, तभी जाके यहाँ पे 6 होगा, देखो 6 3 जा 180, 6 5 जा 30, यस ये हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 10 तो है, ये 25 जो हो रहा है, एक्स का वैल्यू 25 है, एक्स का वैल्यू 25 है, ये आ गया 12, ये आ गया 6, माइनस करोगे तो यहाँ पे 6 आ रहा है। ठीक है, अभी नेक्स्ट यहाँ पे 11 है, तो और क्या हो सकता है यहाँ पे, अब हम यहाँ पे 12 13 लेकर जा सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो ये 261 है, तो डेफिनेटली 12 लोगे, देखो 12 लोग जल्दी जल्दी हो जाएगा। अब आप कहोगे कि मैम 11 है तो क्या 1 2 करके बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होगा, नहीं 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 होगा, देखो 12 लोगे तो 12 में से 11 माइनस करोगे तो 1 होगा, और 140 बाई 1 कितना होगा, 140 माइनस कितना करोगे, यहाँ पे अगर 12 और 11 21 हो रहा है, तब भी अगर मान लो 20 है तो ये कितना आएगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 140 में से कितना जाएगा, तो 11 आएगा, इतना ज्यादा तो नहीं होगा ना, तो 12 तो नहीं होगा, है ना, 12 कैंसिल आउट होता है, 13 भी नहीं होगा, क्यों, 13 में से 11 गया 2, 2 से कटेगा तब भी 70 आएगा, 14 भी नहीं होगा, 3 3 से तो कटेगा ही नहीं, 15 15 माइनस 11 कितना, 4, 4 से भी नहीं कटेगा, पॉइंट में आएगा। ठीक है, 4 3 जा 12, 4 5 जा 35 आया, लेकिन यहाँ पे 15 4 11 15 हो जाएगा, 261 नहीं कटेगा, तो 15 15 और 11 कितना, 26, 26 261 नहीं कटेगा, है ना, 16 करके देखो, 16 और 11 27, ये 261 नहीं कटेगा, 17 और 11 28 हो रहा है, 261 नहीं कटेगा, 18 करके देखो, 18 में से 11 जाएगा तो कितना होगा, 7 होगा, 7 से ये कट रहा है 2 बार, है ना, 20 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 18 प्लस 11 29 होगा, 29 से कितना कटेगा, यहाँ पे 11 है तो ये 20 माइनस 9 होगा तब 11 होगा,
देखो 29 × 9 11 हो रहा है क्या? 9 9 जा 81, 9 2 जा 18 प्लस 8 ये 261 हो रहा है, तो ये हो जाएगा कितना 18, 18 हमने लिया है तो 18 हो रहा है, तुरंत निकल आया ना 18। ये इतना ही है, ऐसा ही ऐसे जब भी आपको पजल मिले तो इतना ही होता है, यहाँ तक आपको सॉल्व करना, बाकी वाले आप इजिली कर सकते हो। ठीक है, तो ये 18 हो गया, ये 18 हो गया, ये 20 और 9 आ गया, यहाँ पे 11 हो गया, ये क्लियरली हमने कर लिया है। अब यहाँ पे 6 है तो ये कितना होगा, 7 होगा क्या? 1 माइनस करोगे तो एग्जैक्टली यहाँ पे 135 आएगा, नहीं होगा। 8 करोगे तो 2 आएगा, 2 से नहीं कटेगा। 9 करोगे तो 9 में से 6 जाएगा, 3 3 करोगे 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, यहाँ पे 45 आएगा, विच इज यहाँ पे 3 6 9 आएगा, 9 से ये नहीं कटेगा, 9 9 से ये नहीं कटेगा ऑब्वियसली। ये कितना है, सॉरी ये 9 15 15 हो जाएगा, 9 6 15, 15 से भी नहीं कटेगा। 10 करके देखो, 10 6 16, 16 से भी नहीं कटेगा। 11 6 17, ये 17 से भी नहीं कटेगा, ये इसको मैं ले रही हूँ। ठीक है, 12 करो, 12 6 18, 18 से भी ये नहीं कटेगा एग्जैक्टली। 13 करोगे तो 13 6 19 होगा, 19 से भी ये नहीं कटेगा, क्योंकि 19 8 क्या आएगा, 19 को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा, नहीं आएगा। 14 करोगे तो 14 6 20 से तो बिल्कुल नहीं कटेगा। 15 करोगे तो 15 6 21 हो रहा है, 8 1 जा 8 को मल्टीप्लाई करोगे, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, ये 21 हो रहा है, ये तो हो रहा है। देखो यहाँ पे देखो, इसको करके 15 में से 6 गया 9, 135 से 9 कटेगा, यस डेफिनेटली कटेगा, 9 1 जा 9 और 9 5 जा 45, ये 9 से कटा, ये 8 से कटा है ना, और ये जो है ये हमने लिया है 15, 15 को लिया है तो 15 यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, 15 और ये 15, 15 में से 8 गया, यहाँ पे 7 होगा। ठीक है, इतना क्लियर है, बाकी सबको मैं इरेज कर रही हूँ। ठीक है, अभी यहाँ तक क्लियर है तो हम आगे देखते हैं क्या क्या आपको क्वेश्चंस गिवन है। ठीक है, पहले क्वेश्चन देखो, जो जो आपको जिस तरह से गिवन होगा वैसे वैसे हम करते जाएंगे। सम ऑफ द स्पीड ऑफ करेंट इन रिवर 2 और 4 टुगेदर, स्पीड ऑफ करेंट करेंट इन रिवर 2 और 4 टुगेदर इज व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन सम ऑफ स्पीड ऑफ बोट्स ऑन सेम रिवर्स टुगेदर। अच्छा, कभी कभी आपने देखा होगा, कई बार ऐसे डीआई होते हैं जो सॉल्व नहीं हो पाते हैं, तो आप क्या करते हो, उसको स्किप कर देते हो। बट कई बार आप हमेशा कोशिश करना, ऐसे कई डीआई जो सॉल्व नहीं हो पाते हैं पूरी तरह से, तो उसके क्वेश्चंस को देखना। जो भी डेटा आपको क्वेश्चन में गिवन होता है ना, वहीं से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे यहाँ पे आप देखो, स्पीड ऑफ करंट, अगर हम इसको सॉल्व नहीं भी करते तो स्पीड ऑफ करंट की ही बात कर रहा है, जो कि आपको पहले से गिवन था, राइट? तो आप वहां से इस क्वेश्चन का आंसर 1 मार्क तो लेकर आ सकते थे, राइट? बट अगर आप स्किप नहीं करते हैं, तो हमेशा कोशिश करना, जब भी अगर कोई सॉल्व नहीं होता है तो वहां पे उनमें कोई क्वेश्चन ऐसा गिवन है क्या जो आपको डेटा में से, गिवन डेटा में से आपको दे रहा है क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन आपको कर लेना चाहिए, सो दैट आप 1 मार्क तो एटलीस्ट लेकर आ सकते। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? चलो मैं आपको क्वेश्चन करते हैं अभी। स्पीड ऑफ करंट इन रिवर 2 और 4 टुगेदर, 2 और 4 का स्पीड यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 6 है, 16। व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन सम ऑफ स्पीड ऑफ बोट्स ऑन सेम रिवर टुगेदर। बोट बोट कितना है यहाँ पे, 25 और ये 15, ठीक है, और ये 40, 40 किस कितना कम है, 24 कम है, किससे कम है, 40 से कम है, इंटू 100, ये 4 6 से कटेगा, 60% यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन रिवर 1 एंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन रिवर 2। टोटल डिस्टेंस की बात करें रिवर 1 और 2 में, रिवर 1 में यहाँ पे 240 और 280 कितना होगा, 8 और 4 12, 2 2 4 1 5, 520। रिवर 2 में 18 और 21, ये 819 और 213, 390, तो ये 13 से कटेगा है ना, 13 4 जा 52, 13 3 जा 39, तो ये हो जाएगा 4:3, करेक्ट आंसर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल डिस्टेंस कवर्ड अलोंग द स्ट्रीम एंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड अगेंस्ट द स्ट्रीम फॉर ऑल द बोट्स टुगेदर। मतलब हमें डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम डिस्टेंस का डिफरेंस चाहिए। ठीक है, डाउन स्ट्रीम का यहाँ पे ये कैलकुलेट कर लो एक एक करके, ये 280 है, एक एक करके कर सकते हो, या फिर आप कैसे और तरीके से कर सकते हो,
कि यहाँ पे जो जो डिफरेंस है ना उनको कैलकुलेट करके कर सकते हो। जैसे यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 40 का डिफरेंस है, इसको मैं इरेज कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 40 का डिफरेंस है। यहाँ पे कितना है डाउनस्ट्रीम, ये 18 में से 21 में से 18 गया, 30। यहाँ पे कितना है, 120 क्लियरली, 21 क्लियरली आपको गिवन था। यहाँ पे ये कितना है, 8 में से 5 गया 3 और 6 में से 3 गया 3। ये तो हो गया 70 और ये 21, 191 इसमें ऐड कर दो, 3 और 1 4, 9 3 12 और ये 2, 224 आ गया। तो ये 224 होगा, या फिर जो कि इजीली हमने एक कुछ सेकंड्स में ही निकाल लिया, या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि इनको कैलकुलेट करो, 280, 210, 261, 168, फिर 240, 180, 140, 135 करके फिर माइनस करोगे, डिफरेंस आपको निकालना है, जो कि बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होगा। जैसे कि आप यहाँ पे भी कर सकते हो 40, 30, 121, फिर इसको कैलकुलेट करोगे, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अपस्ट्रीम स्पीड इन रिवर 1 और 4 टुगेदर एंड अपस्ट्रीम स्पीड इन रिवर 2 और 3 टुगेदर? अच्छा, अपस्ट्रीम स्पीड हमें निकालना है, डिफरेंस निकालना है किसका, 1 और 4 टुगेदर। 1 का यहाँ अपस्ट्रीम स्पीड कितना है, 30 माइनस ये 20, और 4 है ना, 4 गिवेन है ना, यस 4 गिवेन है, ये 15, 6, 9, 29। एक का आया कितना, 29, दूसरे का कितना है, रिवर 2 और 3, रिवर 2 में 25, और सॉरी ये 25, 10 अपस्ट्रीम का है ना, 25, 10, 15, और ये कितना है, 3, 18 और 11 में से 7 गया, 15 और 7, 22, ये 29 और ये 22, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 7 गिवन है, ठीक है, 7 है, 7 का डिफरेंस है, ठीक है, डिफरेंस कह रहा है ना, हाँ, डिफरेंस बिटवीन अपस्ट्रीम टुगेदर और ये 2 और 3 टुगेदर, तो 7 आंसर होगा, ठीक है। सो इस तरह से ये थोड़ा आपके लिए कैलकुलेटिंग कह सकते हो, कैलकुलेटिव डीआई कह सकते हो, ठीक है, जो कि यहाँ तक सिर्फ आपका कैलकुलेशन था, बाकी और कुछ नहीं है यहाँ पे, और डिफिकल्ट नहीं होगा। थोड़ा कैलकुलेटिव जो होता है मेरे ख्याल से आपको कर देना चाहिए, वो डुएबल होता है। बाकी कई ऐसे डीआई होते हैं जो सॉल्व नहीं हो पाते हैं, तो आप उनके चक्कर में ऐसे क्वेश्चंस को स्किप नहीं कर सकते। इस क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चंस आए तो इस तरह का, जैसे मैंने कहा, ऑप्शन एलिमिनेट करके आप सॉल्व कर सकते हो एक एक क्वेश्चन करके, ठीक है। बाकी कोई और डाउट या क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।